हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वे टू यूज़ एन इंस्टाग्राम हैशटैग। सो आज की वीडियो हमारी पांच टॉपिक में डिवाइड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे क्या होता है अपने इंस्टाग्राम हैशटैग को यूज़ करने का। आज की वीडियो हमारी पांच टॉपिक को कवर करेगी। पहला टॉपिक है हैशटैग क्या है, दूसरा टॉपिक होगा हमारा हम हैशटैग क्यों यूज़ करते हैं, तीसरा टॉपिक होगा हमारा बेस्ट पॉपुलर हैशटैग्स क्या होंगे, चौथा टॉपिक है हमारा एक पोस्ट के अंदर हमें कितने टोटल हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए, फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा ट्रेंडिंग हैशटैग कहाँ से फाइंड करें। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम के हैशटैग उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारी यूट्यूब वीडियो के लिए कीवर्ड और टाइटल्स होते हैं। हैशटैग एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स का, लेटर्स का या कोई इमेजेस का। हैशटैग हमारे कंटेंट को डिवाइड करता है सब कैटेगरीज में। हैशटैग्स हमारे क्लिकेबल होते हैं। क्लिकेबल का मतलब है अगर आप किसी हैशटैग के ऊपर क्लिक करोगे तो आप उस हैशटैग के अंदर चल जाओगे और जिस भी कैटेगरी का वो हैशटैग होगा आपको उस कैटेगरी के सभी पोस्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक था हमारा हैशटैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हैशटैग एक सबसे अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करने का। अगर आप अपने पोस्ट के अंदर किसी हैशटैग्स को यूज़ करते हो तो आपका जो पोस्ट है आपकी स्टोरी पर तो दिखेगा ही, आपका पोस्ट उस हैशटैग के अंदर जो पेज है उस पर भी दिखेगा और जितने भी उस हैशटैग को फॉलो कर रहे होंगे लोग उन सभी को आपका पोस्ट दिखेगा, जिससे आपकी ऑडियंस और भी बढ़ेगी, आपके जो पोस्ट पर लाइक्स आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो पेज है उसकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो किसके रिलेटेड है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक जिम से रिलेटेड है, आपकी जो प्रोफाइल है जिम से रिलेटेड है और आप जब कोई पोस्ट डालेंगे तो आपने कोई हैशटैग यूज़ किया जिम से रिलेटेड, एग्जांपल आपने हैशटैग किया जिम टुडे, ठीक है। जब आप कोई पोस्ट डालेंगे और आप उस हैशटैग को यूज़ करेंगे तो आपका पोस्ट उस हैशटैग के अंदर भी दिखेगा और जितने बंदों ने उस हैशटैग को फॉलो किया होगा उन सभी को आपका पोस्ट दिखेगा। अगर आपका पोस्ट अच्छा होगा वो आपके पोस्ट को लाइक करेंगे और आपकी जो प्रोफाइल है उस पर भी विजिट करेंगे अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तीसरा टॉपिक था हमारा बेस्ट पॉपुलर हैशटैग्स। नीस नेम, आपका जो टाइटल है, आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, जिस नाम से आपने पेज बनाया आप उसी नाम का अपना हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा एक पेज है रिशु फोटोग्राफी, ठीक है, और मैंने उसी का ही अपना एक हैशटैग यूज़ किया है और जिससे जो बंदों ने उस हैशटैग को फॉलो किया हुआ है वो मेरे पेज को विजिट भी करते हैं और मेरे पोस्ट को लाइक भी करते हैं, जिससे मेरे पोस्ट की ग्रोथ अच्छे हो जाती है। और भी डेली हैशटैग्स में आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, संडे मंडे आप ये डेज होते हैं, ठीक है, आपने कोई पोस्ट डाली संडे का तो आप उसमें हैशटैग यूज़ कर सकते हैं संडे पोस्ट। अगर आपने ट्यूसडे कोई पोस्ट डाली है, ठीक है, आप उस पोस्ट के अंदर लिख सकते हो ट्यूसडे पोस्ट। तो हमारे डेली हैशटैग्स भी होते हैं जिन पर आप पर डे जो भी पोस्ट डालते हो आप उनको हैशटैग्स को यूज़ कर सकते हो और उनसे आपके जो पोस्ट की रीच है वो जल्दी से ज़्यादा ग्रो हो जाएगी और आपके पोस्ट के लाइक्स के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इमोजी हैशटैग्स, अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, वो पोस्ट कोई सैड से रिलेटेड है या कोई पोस्ट जो आपने डाली है वो कोई खुशी की है या कोई लव की है, ठीक है, तो आप उस पोस्ट के अंदर जो हैशटैग्स यूज़ करेंगे, सैड्स के हो सकते हैं, लव के हो सकते हैं, इमोजीज, आप उन पोस्ट को के अंदर जो इमोजीज है जो आप चाह रहे हो कि आप हैशटैग यूज़ करें, इमोजी से रिलेटेड हैशटैग यूज़ कर सकते हो जिससे वो पोस्ट उस कैटेगरी में ही जाके दिखेगी। अगर आपकी पोस्ट सैड थी तो आपकी जो पोस्ट है वो सैड के पास सैड कैटेगरी में जाके दिखेगी क्योंकि आपने जो हैशटैग यूज़ किया सैड कैटेगरी का यूज़ किया है। अगर आपने जो पोस्ट डाली थी वो कोई हंसी मजाक की थी तो आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो, कोई लाफिंग करके या कोई इमोजी लगा सकते हैं हैशटैग के साथ में तो वो उस कैटेगरी में जाके दिखेगी। लोकेशन हैशटैग्स हो सकते हैं, अगर आपने कोई पोस्ट डाली है आप अपनी लोकेशन को टैग करना चाहते हो, टैग तो अलग चीज़ होगी बट आप उसका एक हैशटैग भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी पोस्ट उस लोकल एरिया में ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। अगर आपने कोई पोस्ट डाली है मुंबई से, ठीक है, तो आप उसमें अंदर हैशटैग यूज़ कर सकते हो मुंबई, जिससे आपकी पोस्ट उस मुंबई एरिया में सबसे ज़्यादा दिखेगी, जिससे मुंबई की जो ऑडियंस है वो आपके पोस्ट को जाकर देखेगी और बाहर तो दिखेगी आपकी पोस्ट पर मुंबई की हैशटैग यूज़ किया उसके अंदर आपकी पोस्ट ज़्यादा दिखेगी। फोर टॉपिक था हमारा टोटल कितने हैशटैग यूज़ कर सकते हो आप एक पोस्ट के अंदर। आप टोटल 30 हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो किसी भी पोस्ट के अंदर, 30 से ज़्यादा आप हैशटैग यूज़ ही नहीं कर सकते किसी पोस्ट के अंदर भी, इससे कम आप कितने भी यूज़ कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है।
और 30 भी हैशटैग वही यूज़ करना है जो आपके पोस्ट से रिलेटेड हो, ना कि कोई एक्स्ट्रा हैशटैग। अगर आपका जो प्रोफाइल है या जो आपने पोस्ट डाला है वो कोई जिम से रिलेटेड है और आप हैशटैग यूज़ करें फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो उस हैशटैग्स का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपने जो हैशटैग्स है यूज़ करने वो अपने पोस्ट से रिलेटेड ही यूज़ करने। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो जिम से रिलेटेड है और आप जिम में जाए, आपने बाइसेप का कोई वर्कआउट किया है, ठीक है, और बाइसेप का वर्कआउट करने के बाद आपने पोस्ट डाला है, तो आप उसमें हैशटैग यूज़ कर सकते हो बाइसेप या बाइसेप टुडे, ठीक है। तो आपकी पोस्ट बाइसेप और बाइसेप टुडे वाले हैशटैग में जाके दिखेगी, जिससे उस पर्टिकुलर वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हैशटैग यूज़ करते समय आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हैशटैग आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कितने फॉलोअर्स है, ठीक है। अगर आपने हैशटैग यूज़ किया है और उसके अंदर 10-15 ही फॉलोअर्स है, तो उस हैशटैग्स को यूज़ करने कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। आपको हैशटैग वही यूज़ करना है जिसके अंदर ज़्यादा फॉलोअर्स है, ठीक है, ताकि उनमें से 50% भी आपके पोस्ट को देखें, जिससे आपके पोस्ट को ग्रोथ सबसे जल्दी मिलने की चांसेस रहेंगे। बेस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग कहाँ से फाइंड करें, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, वहाँ पे एक सर्च बार होता है, ठीक है, सर्च बार को क्लिक किया। सर्च बार को क्लिक करने के बाद आप उस पर ऊपर जो सर्च बार का जो आइकन होता है वहाँ पर कुछ भी डाल लेंगे, तो आपको जो टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स हो जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर प्रोफाइल भी होगी बट टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आज के ट्रेंड में COVID-19 चल रहा है और अयोध्या का मैटर चल रहा है, सो आप इन हैशटैग्स को, अगर आप जो पोस्ट है इनसे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप इन हैशटैग्स को यूज़ कर सकते हो, और जिससे आपके जो, अगर इनसे रिलेटेड है तो आपके पोस्ट ग्रोथ होने के चांसेस बहुत जल्दी रहेंगे। और आप मेरे इंस्टाग्राम का हैशटैग भी चेक कर सकते हो, वो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके विजिट कर सकते हो। अब ये देख सकते हो मेरी प्रोफाइल के अंदर जो हैशटैग्स है वो भी आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आप हैशटैग यूज़ कर रहे हो और अपना जो हैशटैग यूज़ कर रहे हो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपका जो पोस्ट है थोड़ा ओड लगता है, ठीक है, वो देखने में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आपने बहुत सारे हैशटैग यूज़ किए हुए, तो उसे थोड़ा दिखने में पोस्ट को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सो आप जो हैशटैग यूज़ करेंगे वो कमेंट्स में यूज़ करें। कमेंट्स में यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि जो बंदा आपको पोस्ट को लाइक करे और कमेंट करने के लिए जा रहा है वही उनको देख सकता है, ना कि हर कोई जिसने लाइक किया है और वो अपना डिस्क्रिप्शन चेक कर रहा है, तो उसको आपको हैशटैग यूज़ किया है वो दिखेंगे नहीं। इससे आपका फ़ायदा रहेगा, आपके जो पोस्ट की जो ओवरऑल अपेयरनेंस है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन